Hi guys, good morning. सुबह सुबह शुरू होना पड़ता है हमेशा किचन से, क्या बोलो। देखिए यही है, क्या कह रहे हो। सुबह सुबह उठ के तो चाय भी तो पी लिया हम लोगों ने सब। अभी खाने के लिए ब्रेकफास्ट कुछ ढूंढते हैं बेबी के लिए या कुछ बनाने के लिए। कल तो इतना देरी सोया है, 12 बज गया, सुबह फिर 6 बजे उठ गया। इतना नींद से मतलब सारा दिन काम नहीं कर रहे, सुस्ती लग रहे हैं। तो बर्तन भी इतना सारा था तो मैंने हमें जमा कर दिया धुला उला के, तो मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, इतना अंधेरा हो रहा है, लाइट बर्तन नहीं किया है। तो चलो मेरे बेटी के लिए क्या बनाया दिया जाए, थोड़ा देखते हैं क्या बनाएंगे बेटी के लिए। सुनिए खत्म हो गया सच्चे, बेटी के लिए क्या बनाएगा बताओ। हाँ बताओ क्या बनाओ। मैंने तुझे पूछा आकर के आंधी। क्या बनाएगा दी? मसूर मठा बना, मसूर पेट बना। मसूर मठा एक तो राती पर ढाली सोना उस वाले ने जो तो इमान चिती चिती ऐसा तो किसले धोखे नहीं घुसाए हाँ क्या को इसको धोखे घुसाना है ना, ऐसे घुसाता है क्या बुरबो। थोड़ा खाना बैठा दो तो अभी सुबह बेटी के लिए। हाँ उसको रखो, हम बाद में रखे, उसको ढको ढको। अरे जाता ही नहीं है चित्ती जो। गर्म पानी में डुबो के धलना पड़ेगा, ऐसे रख दो अभी के लिए, छोड़ो उसको। तुम एक काम करो खाना थोड़ा बैठा दो। फ्रिज में इतना दुनिया भर का सामान, रात का बासी सब्जी सब बचा हुआ है, केरला भाजी किया था रात का, सब्जी भी बनाएगा वो भी धो के रखना, बनाया नहीं है। आप सबको तो पता ही है कद्दू का पत्ता कितना स्वाद होता है खाने में, कद्दू का पत्ता है ये। उसमें खाना थोड़ा बैठा दो। मंगी सोच रही थी सुमी ना भी गैस सफा करा है तो फटाफट कर दिया जाए, सुमी मुझे ब्रेड पकाना है। अरे मेरा बेटी आया ऐसा लग रहा था, ब्रेड ज्यादा नहीं बेटी के लिए बस बचा हुआ है, ऐसे मैं बना देती हूँ। अभी फट गया है, ज्यादा ही नरम हो गया, बटन मिस करके किया था बेटी के लिए। देखिए बन चुकी है, अब मेरी रेडी। थोड़ा बच्चा इसका पका लेता है। वाओ इतना टेस्टी लग रहा है देख के, बटर का साथ इतना यमी ब्रेकफास्ट बन गया अभी रेडी मेरा।